देवास शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। चैन लूटने की घटनाओं के बाद अब गोली मारने की घटनाएं भी होने लगी हैं। बुधवार रात को एमजी रोड पर एक युवक ने युवती पर कट्टे से फायर कर दिया। घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में कोतवाली पुलिस जुट गई है। जानकारी के अनुसार ग्रीन वैली कॉलोनी में रहने वाली युवती पारा साड़ी सेंटर पर काम करती है। देर रात साड़ी की दुकान से काम कर घर की ओर आ रही थी कि तभी युवक भूपेश शिवहरे उसके पास आए और विवाद करते हुए उसने कट्टे से फायर कर दिया। गोली युवती के पेट में लगी और वह गिर गई। इधर फायर करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवती को गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर कर दिया है। देवास एसपी शिवदयाल सिंह का कहना है कि मामले में अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, छानबीन की जा रही है। बताएं सर, शहर के मध्य एमजी रोड पर गोली चालन की घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? युवती घायल है। किसी युवक ने कट्टे से फायर किया है, घटना की जानकारी ली जा रही है। एक लड़की को लगा है, छर्रे लगे हैं उसके, तो उसको हॉस्पिटल में लाया गया है। देख रहे हैं कि क्या मामला है, प्रेम प्रसंग का है या अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग अभी उसको हॉस्पिटल भेजे हैं और आगे उसकी छानबीन की जा रही है। थैंक यू।